अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेजी फॉर टेक। और भाई टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो भाई आईकॉस की डिवाइस है जो कि नॉन पीटी आईफोन्स के लिए यूज़ होती है, जेवी और नॉन पीटी दोनों में ये चल जाती है। इसकी वीडियो मैंने बनाई थी तकरीबन 2 महीने पहले। मैं ऊपर आई के बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने इसके फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोगों वीडियो, वो वाली वीडियो भी जाकर देख लेना। लेकिन अब इस वीडियो में मैं 2-3 मसले आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी वो डिवाइस मंगवाई है या मंगवानी है वो भी इस वीडियो को देख लें और उनको पता चलेगा कि हमें किस चीज़ से बचना है, ताकि कल आप मेरी वीडियो देख के अगर ये डिवाइस मंगवाते हैं तो आप मुझे ये ना कह सकें कि भाई हमें आपकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। तो आज मैं इसके प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले मैंने इस डिवाइस की वीडियो बनाई थी जो कि मेरे चैनल के ऊपर अभी अपलोडेड है। मैं ऊपर आई के बटन में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो लाजमी चेकआउट कर लेना। अब मेन जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि भाई मेरे चैनल से वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शेयर की हुई हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के की हुई है। अब आप क्या करोगे, आप कॉल करोगे उस नंबर के ऊपर, मैं तो हूँगा नहीं, लेकिन वो डिवाइस को आप ऑनलाइन बाय कर लोगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 2 महीने पहले जब ये 2.5 महीने पहले मैंने जब ये डिवाइस ली थी तो जब मैं इसके PTA चेक करता था तो वो मुझे अप्रूव्ड शो होता था। अब ये डिवाइस जो है वो नॉट अप्रूव शो हो रही है और जिस बंदे से मैंने इसको बाय किया था उसको मैंने कॉल की है वो ये कह रहा है कि ये अप्रूव्ड हो जाएगी। इसका जो PTA से टैक्स है वो 650 रुपये है। अब मैंने अभी तक करवाई नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पहले ये वीडियो बनानी थी ताकि अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवा रहे ना तो ज़रा रुक जाएं, उस बंदे से फुल गारंटी ले लें कि यार ये डिवाइस अप्रूव्ड है नॉन अप्रूव्ड है, क्योंकि उसने अभी करके दी नहीं है लेकिन उसने मुझे इतना कह दिया कि आप आ जाओ ये हो जाएगी, ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे क्योंकि हमने आपको सेल की है। अब दूसरा ऑप्शन जो इस डिवाइस में मुझे देखने के लिए मिलता है, मैंने कहा मैं इसमें इसकी प्रॉब्लम के बारे में बता ही रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलता है जो कि मुझे आप लोगों ने कॉमेंट्स करके पूछे थे। मैं कॉमेंट को बेसिकली रीड करके आप लोग को सुना रहा हूँ। इसके अंदर आपको रीसेंट ऐप्स वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। जैसे आप अपने फ़ोन में से रीसेंट ऐप्स को ख़त्म कर देते हैं उसी तरह जब आप रीसेंट ऐप्स को ख़त्म करेंगे तो आपके फ़ोन में इसकी जो ऐप है जब वो क्लोज होगी तो आपको कॉल नहीं आएगी। इसकी ऐप को आपको रीसेंट ऐप्स के अंदर ऑन रखना लाजमी है। अब बात कर लेते हैं जो कि मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोली थी कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी, डिवाइस मंगवाई लेकिन बैटरी टाइमिंग 1 दिन से ज़्यादा नहीं दे रही। मैंने बेसिकली बताया 1 ही दिन था लेकिन जो मेरी डिवाइस है ये तकरीबन 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप मुझे दे देती है। तो अगर आपके जो डिवाइस है उसकी बैटरी टाइमिंग 1 दिन है तो वो आप लाजमी चेक करें, मे बी उसकी बैटरी ख़राब हो सकती है। अब तीसरा जो बड़ा इशू था इसके अंदर वो ये था कि भाई इसके अंदर आपको इंटरनेट के फंक्शन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता। ये 15,000 रुपये की डिवाइस है और इंटरनेट इसके साथ नहीं चलेगा, यानी कि सेलुलर ऑप्शन आपका नहीं चलेगा, कॉल्स आपको आ जाएंगी। इसमें एक और डिवाइस आती है इससे थोड़ी सी ऊपर वेरिएंट में, वो 22,000 से 25,000 रुपये के दरमियान है, उसमें आपको कॉल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। तो भी अगर मेरे ख्याल में आप अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहें कि ये डिवाइस को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मैं कहूँगा बिल्कुल करना चाहिए। कि जो लोग आईफोन के शशके मारना चाहते हैं कॉल इस बेसिकली सुन लें तो उसमें ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। डिवाइस भी बहुत अच्छी है लेकिन ये 2-3 प्रॉब्लम्स थे जो मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए मिले तो मैंने आप लोगों के साथ ये बताए। आप लोग भी जो डिवाइस है अगर मेरे चैनल के रेफरेंस से बाय कर रहे हो क्योंकि मेरी वीडियो देख के बाय कर रहे हो तो प्लीज़ अगर मुझसे ही बाय कर रहे हो, जैसे मेरी काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी जिसके नीचे नंबर दिया हुआ है और इन डिवाइस के बारे में मेरी वीडियो चल रही है तो प्लीज़ आइडेंटिफाई कर लेना कि वो मैं ही हूँ। और अगर आपने उसी बंदे से मंगवानी है जो कि मैं नहीं हूँ तो प्लीज़ सोच समझ के मंगवाना। बाद में मुझे आप लोग ये मत कहना कि आपसे डिवाइस मंगवाई है तो ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं अभी तक किसी किस्म की डिवाइसेस सेल नहीं कर रहा। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। 97% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं। अभी मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाजमी बनाना चाहता था कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो मेरी वीडियो की वजह से। आपका इस डिवाइस और मेरी वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आपने डिवाइस कहीं से मंगवाई तो नहीं? अगर मंगवाई है प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना, मेरा फ़र्ज था कि 650 रुपये इसका टैक्स है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी अर्जेंट और हेल्पफुल वीडियो आप तक पहले पहुँच सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।